हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा आया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में, में होगा, रोमांस होगा, होगा, क्या होगा क्या तो देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या ये बहुत ज्यादा है

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना गातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मई देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में, में होगा, रोमांस होगा, होगा, क्या होगा क्या तो देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या ये बहुत ज्यादा है टाइम एवरेज सी और सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस सौ तिरानवे में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा I have. बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर न्यू वीडियो की आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की, की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से तक तर लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को अले मुरानी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की कि सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला है तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मई कर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहां पर सॉन्ग्स एंड बी को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी भी मिलती रहेगा पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा आया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है खासी डीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं लाइक like इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना गातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था

यहां पर एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है

वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा हाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल

तो इस मूवी तो की स्टोरी लाइन को राजकुमार संतोषी ने ही संभाला एंड यहाँ पर आप लोगों को सातनु गुप्ता देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को अले मुरानी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन कर देखने को को मिल जाएंगे। and music में आप लोगों को यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए లైక్ ఇక్కడ నేను షేర్ చేశాను ఏది ఏ రకమైన సినిమా తయారు చేయబడింది ఎక్కడ విడుదల చేయబడింది ఏ భాషలో విడుదల చేయబడింది మరియు చివరికి ఇది ఎక్కడ మరియు ఏ భాషలో అందుబాటులో ఉంది ప్రత్యేకంగా ఇది YouTube లో అందుబాటులో ఉందా లేదా అని ఈ అన్ని విషయాల గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించబోతున్నాము అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మీరు ఈ రోజు వీడియోలో పొందబోతున్నారు కాబట్టి వీడియో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది ఈ వీడియోను చివరి వరకు తప్పకుండా చూడమని మరియు మా వీడియోను లైక్ చేసి మీ స్నేహితులతో పంచుకోమని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी दा भगत उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट like लाइक पोस्टर निकला हीरो के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि किस लैंग्वेज में बनाई गई ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों को

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में, में, तो में जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा I have. बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की कि सारी की सारी सिनेटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मैकर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए गई, कहां पर रिलीज की जवाब तो लोग आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंसी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए

about तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया आया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और ना एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को अले मुरानी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात की कि इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मैकर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीच बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पर एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली यह कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मई देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यह कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में, में होगा, रोमांस होगा, होगा, क्या होगा क्या तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की टाइम ये बहुत ज्यादा है टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर है, हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

Bari me. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा i have बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में, में होगा, रोमांस होगा, होगा, क्या होगा क्या तो देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या ये बहुत ज्यादा है

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना गातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस सौ तिरानवे में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर न्यू वीडियो की आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर न्यू वीडियो की आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा i have बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो रेटिंग है है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या, है, क्या है इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम एवरेज सी और सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है है वो संभाली है जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रहेगा पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी के

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

के से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की गई, कहां पर रिलीज की गई, गई, पर की किस बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर न्यू की आप लोगों तक पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लेते हैं यहां पर साल उन्नीस सौ में रिलीज हो चुकी बहुत प्यारी मूवी दामिनी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज मूवीज उन्होंने दी हैं हैं जो कि बहुत अच्छी एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए లైక్ ఇక్కడ నేను షేర్ చేశాను ఏది ఈ రకమైన సినిమా తయారు చేయబడింది ఎక్కడ విడుదల చేయబడింది ఏ భాషలో విడుదల చేయబడింది మరియు చివరికి ఇది ఎక్కడ మరియు ఏ భాషలో అందుబాటులో ఉంది ప్రత్యేకంగా ఇది YouTube లో అందుబాటులో ఉందా లేదా అని ఈ అన్ని విషయాల గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించబోతున్నాము అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మీరు ఈ రోజు వీడియోలో పొందబోతున్నారు కాబట్టి వీడియో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది ఈ వీడియోను చివరి వరకు తప్పకుండా చూడమని మరియు మా వీడియోను లైక్ చేసి మీ స్నేహితులతో పంచుకోమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा आया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने संभाला प्रोड्यूसर कौन है तो इन चीजों पर हम बात करते हैं

से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन माइकर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दीजिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की तो जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है है वो संभाली है। जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए यहां पर मैंने शेयर किया है कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की तो जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा आया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को अले मुरानी देखने को मिलेंगे तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मैकर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए Like, कि तो जवाब आप लोगों को आज की इस में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या है इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मै देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली यह कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंसी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो है जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी, -सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और ना एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को अले मुरानी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की कि सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मई देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 पॉइंट एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में, में होगा, रोमांस होगा, होगा, क्या होगा क्या तो देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या ये बहुत ज्यादा है

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना गातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली

से यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस सौ तिरानवे में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा आया है। बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंड जब भी हम कोई भी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में, में रोमांस तो देखने, देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की टाइम है क्या बहुत ज्यादा है टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो, आ जो आ है है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस सौ तिरानवे में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना है एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा i have बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.8 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक like इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी हर न्यू वीडियो की आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि इस कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी out of 10 जो के काफी खासी है इस को के की से 71 तक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है, है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की कि क्या इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये

को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की कि इस मूवी की कि सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला है तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन मई देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए लाइक like, यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रहेगा पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है खासी डीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या है इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है है वो संभाली है जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी -की सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दी हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए Like, यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ

तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे मीनाक्षी आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ सनी दियोल ऋषि कपूर अमरीश पुरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड अपना एंड अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा हाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई है है अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 71 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या, क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप

अगर हम बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज मूवीज की इन्होंने में कोई दी हैं या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी द दा लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट लाइक like फटा पोस्टर निकला हीरो खाकी ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं एंड और एंड और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों की करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने संभाला प्रोड्यूसर्स कौन है तो इन चीजों पर हम बात करते हैं तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को राजकुमार संतोषी ने ही संभाला एंड यहाँ पर आप लोगों को सातनु गुप्ता देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को तो अले मुरानी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ करीम मुरानी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो ईश्वर आर बिद्री ने इस मूवी की सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके तरीके से संभाली गई है एडिटिंग में आप लोगों को वी एन माइकर देखने को मिल जाएंगे एंड म्यूजिक में आप लोगों को यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग दीजिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी दामिनी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए లైక్ ఇక్కడ నేను షేర్ చేశాను ఏది ఏ రకమైన సినిమా తయారు చేయబడింది ఎక్కడ విడుదల చేయబడింది ఏ భాషలో విడుదల చేయబడింది మరియు చివరికి ఇది ఎక్కడ మరియు ఏ భాషలో అందుబాటులో ఉంది ప్రత్యేకంగా ఇది YouTube లో అందుబాటులో ఉందా లేదా అని ఈ అన్ని విషయాల గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించబోతున్నాము అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మీరు ఈ రోజు వీడియోలో పొందబోతున్నారు కాబట్టి వీడియో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది ఈ వీడియోను చివరి వరకు తప్పకుండా చూడమని మరియు మా వీడియోను లైక్ చేసి మీ స్నేహితులతో పంచుకోమని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను

बहुत ही बखूबी निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है है वो है जी 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ सेवेंटी वन तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन

इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी और एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो रखी गई है जो कि कहाँ अच्छी टाइम ड्यूरेशन है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है है वो संभाली जी राजकुमार संतोषी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी है जस्ट लाइक इन्होंने गांधी गॉड से एक युद्ध उसी के साथ साथ अंदाज अपना अपना घातक घायल अजब प्रेम की गजब कहानी बैड बॉय दामिनी दा भगत उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जस्ट like लाइक पोस्टर निकला हीरो के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों को

बीजीएम को संभालते हुए नजर आएंगे नदीम श्रवण और समीर इन्होंने मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सॉन्ग एंड बीजीएम को हैंडल किया है तो बहुत अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली आप लोग